अंबेडकरवादी बहुजन समाज संगठन एवं रमाभाई अंबेडकर सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर साइकिल द्वारा विशाल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जो अंबेडकर चौक कचहरी से होते हुए जटाशंकर दुर्गाबाड़ी सहित अन्य जगहों से होते हुए बाबा साहब के प्रतिमा के प्रांगण में प्रभात फेरी सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए बीआरडीपीडी कॉलेज देवरिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ ने बताया, बाबा साहब ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। बाबा साहब की जो संविधान है, आप संविधान के बारे में देखिए, बाबा साहब ने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो, या बच्चे हो, या औरतें हों, किसी भी तरह की जो है कि समाज में सबको एक समानता के रूप में ढालने की कोशिश किया है। और ये संविधान हमारा सबको एक प्लेटफार्म पे ला करके खड़ा करने की करता है, जिसकी वजह से हम आप सभी स्वतंत्र हैं। हम सभी उस काम के लिए स्वतंत्र हैं जो हम अपनी इच्छा से, और किसी को बिना किसी को जो क्या बोलते हैं आहत करते हुए हम अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, हम अपनी जो है चीज़ें मना सकते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता के दायरे में रह करके हम किसी को बिना क्षति पहुंचाए हुए हम अपना काम कर सकते हैं। पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सर्विस का अधिकार, ये सब बाबा साहब की जो है संवैधानिक अधिकार के आधार पर सभी लोग हम लोग जो है उसको अर्जित करते हैं। और समाज में भी हम इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है इस शिक्षा के आधार पर, बुद्धि के आधार पर आप समाज में बढ़ने का आपका अधिकार है। आप अधिकारी पूर्वक अधिकार पूर्वक आप अपना आगे बढ़ने के